नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम हिमाचल जीके के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी या फिर HPRCA के जो भी एग्ज़ाम होंगे, उनमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? ऊना जिले की पहाड़ियों को शिवालिक नाम से जाना जाता है। सोलह सिंगी धार किस जिले में स्थित है? सोलह सिंगी धार हमीरपुर जिले में स्थित है। हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाती है? हाथीधार चंबा और कांगड़ा की सीमा बनाती है। रियो फरग्यूल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? रियो फरग्यूल चोटी जास्कर में स्थित है, जास्कर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। शिमला नगर के दक्षिण में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? चूड़धार चोटी स्थित है। कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? तो कांगड़ा घाटी धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो मैदानों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस तीर्थ स्थान के पास बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से पृथक होती है? बद्रीनाथ। चोलंग चोटी किस पर्वत चोटी पर स्थित है? तो चोलंग चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः चंबा जिले में स्थित है। शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? शिमला और सिरमौर के बीच चूड़धार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूड़धार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो चूड़धार की समुद्र तल से 3,647 मीटर ऊंचाई है। हिमालय पर्वत की निचली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो हिमालय पर्वत की निचली पहाड़ियों को शिवालिक कहते हैं। शिंगरीला पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? शिंगरीला पर्वत चोटी लाहौल स्पीति में स्थित है। सिकंदर धार से कौन सा मुस्लिम शासक संबंधित है? सिकंदर धार से सिकंदर लोधी संबंधित है। श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? श्रीखंड पर्वत चोटी कुल्लू जिले में स्थित है। इंद्रासन पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इंद्रासन पर्वत चोटी कुल्लू जिले में है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियाँ चोस का निर्माण करती है? शिवालिक पहाड़ियाँ चोस का निर्माण करती हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ पर आरंभ होती है? धौलाधार पर्वत श्रेणी बद्रीनाथ से आरंभ होती है, उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धौलाधार का उत्तरी सिरा किस से जुड़ा है? धौलाधार का उत्तरी सिरा बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से जुड़ा है। धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 4,550 मीटर है। रिवो फगुल चोटी की ऊंचाई कितनी है? 6,791 मीटर। तो कितनी है रिवो फरग्यूल? रिवो फरग्यूल चोटी की ऊंचाई 6,791 मीटर है। हाटू शिखर किस पर्यटक स्थल के पास स्थित है? तो हाटू शिखर नारकंडा के पास स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हिमालयन बोटैनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कुफरी शिमला में। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो शिल्ली सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है और ये कहाँ पर है? सोलन जिले में है। काला टोपा खजियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो काला टोपा खजियार वन्यजीव अभयारण्य चंबा जिले में स्थित है। कंवर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में शेरों की सफारी स्थित है, तो शेरों की सफारी कहाँ स्थित है? ये रेणुका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में शेर संरक्षण उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में शेर संरक्षण उद्यान सिरमौर रेणुका में स्थित है। पिन घाटी नेशनल पार्क है, तो पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? ये लाहौल स्पीति में है और हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है। लाहौल स्पीति जिले की तीन घाटियों के नाम क्या हैं? तो पिन घाटी, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी, ये लाहौल स्पीति जिले की मुख्य तीन घाटियाँ हैं। सांगला घाटी किस जिले में स्थित है? तो सांगला घाटी किन्नौर जिले में है और ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। आलू की घाटी किसे कहते हैं? आलू की घाटी लाहौल को कहते हैं, यहाँ पर आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
बसपा घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो छितकुल बसपा घाटी का अंतिम गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हांगरांग घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? हांगरांग घाटी का नाको सबसे ऊंचा गांव है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी नहीं है? हांगरांग, बल्ल, कुंजुम, कांगड़ा। तो कुंजुम इनमें से घाटी नहीं है, कुंजुम दर्रा है। कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है? कुनिहार घाटी सोलन जिले में स्थित है। तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। सूरज ताल और चंद्र ताल जिले किस जिले में स्थित है? सूरज ताल और चंद्र ताल जिले लाहौल स्पीति में स्थित है। पराशर झील कहाँ है? पराशर झील कहाँ पर स्थित है? पराशर झील मंडी में स्थित है। रेणुका झील का संबंध किससे है? रेणुका झील का संबंध परशुराम से है। रेणुका परशुराम की माता का नाम था। ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी और परशुराम की माता थी रेणुका। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? लामा झील चंबा 7 झीलों का समूह है। रोहडू तहसील की चंद्रनाहन झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ये रोहडू है, रोहन नहीं है। रोहडू तहसील की चंद्रनाहन नदी से झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है। गड़ाश्रु झील किस जिले में स्थित है? गड़ाश्रु झील चंबा जिले में स्थित है। डल झील कहाँ स्थित है? डल झील धर्मशाला कांगड़ा में स्थित है। पौंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूबा था? देहरा गोपीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परशुराम ताल कहाँ स्थित है? परशुराम ताल रेणुका में स्थित है। चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला जिले में स्थित है। गोविंद सागर झील किसके नाम पर है? गोविंद सागर झील गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। चंद्रताल झील किस दर्रे के निकट स्थित है? चंद्रताल झील बारालाचा दर्रे के निकट स्थित है। हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं? रिवालसर झील में। धनकड़ झील किस जिले में स्थित है? धनकड़ झील लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। सुखसार झील मंडी जिले के किस शहर के निकट स्थित है? सुखसार झील मंडी जिले के रिवालसर के निकट स्थित है। नेक्स्ट देखिए, तानुजुब्बल झील किस कस्बे के निकट स्थित है? तो तानुजुब्बल झील नारकंडा के नज़दीक स्थित है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने वन लाइनर क्वेश्चन जाने ज़्यादा इनको डिटेल में आज हमने नहीं किया। ये 55 वन लाइनर क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।